देखिए ऐसा मुसलमान कोई खरीदा हुआ वोट तो है नहीं सपा का। मुसलमान तो वहाँ जाएगा जहाँ पे काम मिलेगा उसे, जहाँ उसकी इज्जत होगी, उसका सम्मान होगा। और बीएसपी के अलावा कहीं सम्मान है ही नहीं। ये तो हमें हथियार समझ के इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते और मुसलमानों के ऊपर, इनके ऊपर जुल्म और जासी करते हैं मुसलमानों को। इतनी समस्या है कि हमारे यहाँ अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो हमें मीठे पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। सुविधा जो चिकित्सा की है वो बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का स्तर गिरा हुआ है। लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, महंगाई से त्रस्त हैं और सरकार हवाई हवाई बातें करती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। अभी वर्तमान में जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, जगह जगह प्रत्याशी जा रहे हैं, जगह जगह अपना प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह अपने मत रख रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आम जनता के लिए विकास क्या करेंगे। अभी हम यहां से गुजर रहे थे तो हमने देखा बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही साधारण तरीके से कर रहे हैं। हमने पहली बार देखा कि कोई प्रत्याशी इतने साधारण तरीके से अपना प्रचार कर रहा है, वरना हम देखते हैं कि बहुत बड़ा हजूम लेकर चलते हैं, ढोल लंगाड़े लेकर चलते हैं और बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी। पहले तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर सिंह है मैडम। अमर सिंह जी, आपकी जो टुंडला विधानसभा है, जानना चाहूँगी यहाँ से किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। एक्चुअली वैसे तो हम जाति की बात नहीं करते हैं, पर यहाँ जाटव जाति के लगभग 80,000 वोट हैं और इतने वोट किसी और दूसरे समाज के नहीं हैं। अगर दो अन्य जातियों को मिलाया जाए तब भी इतने वोट नहीं बनते हैं। और उस तरीके से हमारे वोट 80% पड़ता है, क्योंकि बहन जी को वो अपना नेता मानते हैं सारे लोग और बहुजन के ही वो समर्थक हैं। तो उस हिसाब से लगभग 60 से लेकर 65 हज़ार हमारा वोट तो एक रिजर्व वोट है जो हमें मिलने जा रहा है। अन्यथा दूसरा, मैं लोकल नारकी का रहने वाला हूँ और अपनी विधानसभा का ही निवासी हूँ, तो लोग लोकल होने के नाते बहुत ज़्यादा वोट दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लोग अपने आप बिना बुनाए इकट्ठे हुए हैं। मैं तो हाथ जोड़कर मांगने जा रहा था पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो इससे मुझे लगता है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। जी, अमर सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने आम जनता से बात किया तो आम जनता के कुछ मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से बिजली की समस्या यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिली है, आम जनता बता रही है, और पानी की समस्या है, तो क्या लगता है अगर जीत के आते तो आप इन समस्याओं को किस तरह से हल करेंगे? बेसिकली हमारे यहाँ से कभी कोई विधायक नहीं हुआ है नारकी क्षेत्र से, और उसमें ऐसा लगता है कि हमारे गाँव को किसी ने प्राथमिकता नहीं दी है। हालांकि यहाँ अंग्रेजों के टाइम का थाना है, फिर भी हमारे जो दूसरे चौराहे और छोटे नगर जो नज़दीक में बसे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास कर गए। नारकी अभी भी पिछड़ा है। यहाँ अभी मैं नारकी में रहता हूँ, खारे पानी की इतनी समस्या है कि हमारे यहाँ अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो हमें मीठे पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। सुविधा जो चिकित्सा की है वो बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन का स्तर गिरा हुआ है। लोगों को रोज़गार मिलता नहीं है, महंगाई से त्रस्त हैं और सरकार हवाई हवाई बातें करती रहती है। यहाँ धरातल पर न विकास है न सुविधाएं हैं। तो मैंने नारकी क्षेत्र में तय किया है कि मैं यहाँ पहले पानी की सुविधा करूँगा, सड़कें बनवाऊँगा, अच्छी चिकित्सा के लिए एक अस्पताल बनाने का प्रपोजल करवाऊँगा और नारकी में संभव हुआ तो मैं तहसील बना के छोड़ूंगा, जिससे विकास स्वतः ही यहाँ इस क्षेत्र में हो जाएगा। अमर सिंह जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस सीट पर टुंडला विधानसभा पर बसपा ने दो बार बाजी मारी है लगातार, लेकिन जब मोदी की लहर चली तो ये सीट भाजपा के पाले में गई, लेकिन जिस तरह से लोगों की नाराजगी दिख रही है कि कोई विकास नहीं हुआ है, तो जानना चाहूंगी कि वर्तमान में इस सीट पर आपको कौन टक्कर दे रहा है? बेसिकली इस समय जो राकेश बाबू हमारे पहले भाजपा से दो बार विधानसभा में गए हुए हैं, वो लड़ रहे हैं पर उनके साथ समाज कोई साथ नहीं है। और जिसको वो कोर वोट बैंक मानते हैं, जिसे एक मुझे कहना चाहिए यादव कम्युनिटी है, वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा विरोध है। ऐसी स्थिति में वो लोग मुझे अंदर से सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरी टक्कर इस समय किसी से नहीं है। बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं ऊपर ऊपर से चल रहे हैं, नीचे उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस समय बीएसपी ही इस बार यहाँ से जीत हासिल करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अमर सिंह जी ने जिस तरह से बताया कि
सर समाज का जो वोट बैंक है वो उनके साथ में, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या जिस तरह से कहा जाता है कि जो यादव वोट है वो सपा का वोट बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं यादव समाज भी आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। उम्मीद है कि जिस तरह से नारखी के लोग हैं, जिन समस्याओं से परेशान है, पानी हो, बिजली हो, या जो भी विकास के कार्य है, वो पिछले 5 साल में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुए, तो इस बार प्राथमिकता के तौर पर हर कोई बसपा पार्टी के जो प्रत्याशी है अमर सिंह जी उनको चाह रहा है, क्योंकि वो आएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होगा। यहाँ पर बसपा के कुछ कार्यकर्ता भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी नाम क्या है? मेरा इंद्रदेव नाम है। इंद्रदेव जी, किस तरह का रुझान लग रहा है इस बार? इस बार किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ जहाँ देखो वहाँ बीएसपी की लहर है, और बीएसपी नंबर वन की पार्टी बन के उत्तर प्रदेश में क्षेत्र का विकास करेंगे। एडीएम साहब हैं तो इनकी तो एक तरफा लहर चल रही है, और यही विजयी बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी आगे चल के। क्या लगता है अगर उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टी आती है तो युवाओं के लिए कितने बड़े स्तर पर काम होंगे? युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, और जो हमारे क्षेत्र की बात है, क्षेत्र हमारे साथ है, सब लोग विकास की बात हो रही है, क्षेत्र में हमारे में कोई विकास नहीं है। अगर हमारे नारगी क्षेत्र से हमारे क्षेत्र साथ होके एक साथ विधायक जी होंगे, और विधायक जी हो रहे हैं, और हमारी पूर्ण बहुमत से विधायक जी बनने हैं, और हमारे विकास की बात होगी, विकास संपूर्ण करेंगे, और ये हमारे बाधाएं विधायक जी से, और क्लियर जीत हो रही है हमारी, और यहाँ कोई हमारी टक्कर पे नहीं है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भाजपा के जो वर्तमान में विधायक रहे हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई विकास नहीं है, आप देख सकते हैं, नाली खाड़ी खड़ंजे सब ऐसी कीच कप्पड़ भरा हुआ है, यहाँ कोई विकास नहीं है। आज हमारे क्षेत्र से कोई खड़ा हुआ है विधायक जी, तो ये हमारी सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, ये हमारी आगे सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और ये हमारे लिए विकास करेंगे। रोजगार की उन्होंने बात की है, यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, अस्पताल भी खुलवाएंगे, और बेरोजगारी खत्म करेंगे यहाँ से, हमारे विकास के लिए ये खड़े हुए हैं हमारे विधायक जी। बाबूजी हैं, बाबूजी से भी जानना चाहूंगी। बाबूजी नाम क्या है? रईस अहमद। रईस अहमद जी, इस बार जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, खासकर मैं इस सीट की बात करूंगी टुंडला की, तो किधर जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी ही क्यों? बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहन जी जो निष्पक्ष काम करती हैं, छुआछूत वाला काम नहीं करती, ना बिरादरीवाद का काम करती है, जो है वो काम करती हैं, इसलिए मुसलमान उनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपके प्रशासन में, आपके उसमें सीएम में, और कोई ना दंगा फसाद नहीं होता, और रोज और पढ़े लिखों को रोजगार मिलता है, और यहाँ पे कार्य होता है, सड़क वगैरह बनती हैं, और पानी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी कि बहन जी ने अभी पिछले उसमें अपने राजकाल में उन्होंने मकान बनाए थे बहुत लोगों को, गरीब लोगों को सर छिपाने के लिए छतें दी थी, आज वो लोग भी हमारे साथ हैं, और हमें जो है पूरा वोट देने के लिए तैयार है वो लोग। बाबूजी, जिस तरह से हम अखिलेश जी को भी सुन रहे हैं, अखिलेश जी लगातार एक दावा कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक है वो सपा की तरफ आ रहा है, तो कितनी सच्चाई इन बातों में? देखिए, ऐसा मुसलमान कोई खरीदा हुआ वोट तो है नहीं सपा का, मुसलमान तो वहाँ जाएगा जहाँ पे काम मिलेगा उसे, जहाँ उसकी इज्जत होगी, उसका सम्मान होगा, और बीएसपी के अलावा कहीं सम्मान है ही नहीं। ये तो हमें हथियार समझ के इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और मुसलमानों के ऊपर, इनके ऊपर जुल्म और जासूसी करते हैं मुसलमानों के ऊपर। 2004 में मेरा स्कूल मेरा छीना गया, और ये यादव थे, मेरी दाढ़ी को नोचा गया, कौन सा वक्त था ये, कौन लोग थे ये? सपा शासन तो था, उसके गुंडे थे, बीजेपी उससे ज़्यादा महान गुंडी है, जुल्म और जास्ती आम हो रही है, बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रही है। आज इंसान जो है पटरी पे आ गया है, सड़कों पे आ गया, गरीब हो गया इंसान, खाने को घर में नहीं है, इनके पास और बीवी बच्चे तो है नहीं जो दर्द समझे गरीबों का, जिनके पास औलाद है उनसे पूछो उन पे क्या परेशानी है, इन पे तो है नहीं बीवी बच्चे, इन्हें क्या तो तकलीफ होगी कि मेरा बच्चा भूखा या प्यासा, वो अपनी मौज ले रहे, अपना पेट भर रहे हैं इन्होंने। तो इस बार बहन जी की सरकार बनवा रहे हैं? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बनेगी। तो देखिए, बाबूजी ने जिस तरह से आंकड़े भी रखे, और जिस तरह से सपा के शासनकाल में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अत्याचार हुआ है, और भाजपा के तो कहने ही क्या हैं, बाबूजी ने बिल्कुल अपने मुंह से स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासनकाल रहा है, और जिस तरह से उन्होंने सर समाज को लेकर काम किया, और खासकर मुस्लिम समाज को भी एक बहुत बड़ा महत्व दिया है, और इस बार चुनाव में मुस्लिम समुदाय को बहुत ज़्यादा सीटों पर टिकट भी दिया है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है, बिल्कुल साफ साफ ये कह रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं, ताकि हमारे विकास हो सके। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनडी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।